और इस बीच बड़ी खबर, तवांग से चीन को भारतीय फौज ने खदेड़ तो दिया, लेकिन दिल्ली में सियासत गर्म है क्योंकि कांग्रेस ने इस मुद्दे पर आज विपक्षी दलों की बैठक बुलाई। कल लोकसभा राज्यसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बयान दिया था, लेकिन विपक्ष इस बयान से संतुष्ट नहीं है। तवांग को लेकर सरकार पर विपक्ष की घेराबंदी तेज है। थोड़ी देर बाद यह बैठक बुलाई गई है। सरकार बार बार इस बात का जवाब अब उन्हें देना पड़ेगा कि आखिरकार 9 दिसंबर की घटना को 13 दिसंबर को क्यों बताया गया। कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दोनों सदनों में बयान दिया, उसके बावजूद अभी भी विपक्ष संतुष्ट नहीं है जवाब से। मल्लिकार्जुन खड़गे ने विपक्ष की यह बैठक बुलाई है जिसमें तमाम विपक्षी दलों के नेता मौजूद रहने वाले हैं। 9 दिसंबर 2022 को पीएलए ट्रुप्स ने तवांग सेक्टर के यांगसे एरिया में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अतिक्रमण कर स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास किया। चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया है अध्यक्ष महोदय, और इस फेस ऑफ में हाथापाई भी हुई है। भारतीय सेना ने बहादुरी से पीएलए को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया अध्यक्ष महोदय। कहाँ क्लैरिफिकेशन है? अरे अपना स्टेटमेंट पढ़ा चले गए, क्लैरिफिकेशन तो हम पूछ रहे थे, क्लैरिफिकेशन के लिए वो तैयार नहीं थे। पहले तो हम चर्चा पूछे, चर्चा को भी तैयार नहीं। इसका मतलब डेमोक्रेसी में जो कुछ भी चीजें होती हैं वो चर्चा से ही सॉल्व होती है, और हम वो जो चर्चा करके बताना चाहते हैं या कुछ स्टेटमेंट देके हम उसमें क्या कमियां हैं और हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर करना चाहते थे। हमारे दो सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। सुप्रिया भारद्वाज हमारे साथ जुड़ गई हैं, मांशु मिश्रा जुड़ गए हैं। सबसे पहले सुप्रिया आपका रुख करते हो, क्योंकि ये अहम बैठक विपक्षी दलों की बुलाई गई है, जाहिर तौर पर ये मुद्दा बड़ा है, इस पर सरकार को घेरने की तैयारी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल विपक्ष यही पूछेगा कि आखिरकार इस घटना की सूचना देने में डीले क्यों किया गया। बिल्कुल, जहां तक विपक्षी पार्टियों का सवाल है, 10 बजे एक बैठक है, बहुत ही अहम बैठक है, अक्रॉस द बोर्ड अगर कहा जाए पूरा विपक्ष एक साथ लामबंद है। वो पार्टियां भी जो पहले कांग्रेस एंड उसके एलाइज के कैंप में नहीं थी वो भी इकट्ठे आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि फुल फ्लेज डिस्कशन होनी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ एक डिफेंस मिनिस्टर की स्टेटमेंट से कुछ नहीं होगा। उन्होंने कहा कि बार बार एलओसी के ऊपर जो है इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और सरकार को आके जो है सवालों का जवाब देना होगा और एक सुर में जो है एक संदेश देना होगा कि पूरी की पूरी जो पॉलिटिकल क्लास है इसके साथ साथ पूरा देश है वो हमारे सैनिकों के पीछे एकदम अपना वेट थ्रो करता है। और 10 बजे की मीटिंग होनी है और उसके उसी के अंदर जो है आगे की स्ट्रैटेजी को तैयार किया जाएगा। वो ये भी सवाल उठा रहे हैं कि 9 दिसंबर को ये जब घटना हुई थी तो उसके बाद तुरंत ही जो है सदन को और देश को क्यों नहीं बताया गया। विपक्ष का ये भी कहना है, जब उनसे कल पूछा गया कि आप लोगों ने वॉकआउट क्यों किया तो उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्री ने अपना स्टेटमेंट पढ़ा और उसके बाद वो खुद ही वॉकआउट कर गए, हम लोगों के सवालों का जवाब नहीं दिया, हम सवाल पूछना चाहते हैं, हम एक्चुअल में सिचुएशन वहां पर क्या है वो समझना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा के जो MP हैं अखिलेश प्रसाद सिंह, उन्होंने तो एक कदम आगे बढ़कर ये तक कहा कि इससे जुड़ा हुआ सवाल हिमांशु से कर लेते हैं। सुप्रिया, हिमांशु, क्या Q&A के लिए तैयार नहीं है सरकार? क्योंकि सिर्फ स्टेटमेंट आना अब विपक्ष को संतुष्ट नहीं कर सकता और इसी के लिए मीटिंग बुलाई गई है। क्या Q&A की संभावना बन सकती है? देखिए नेहा, एक चीज है कि जब भी कोई मंत्री किसी विषय को लेकर लोकसभा या राज्यसभा के अंदर स्टेटमेंट देते हैं तो लोकसभा में ऐसा कोई संसदीय प्रोविजन नहीं है या ये कहें कि संसदीय परंपरा नहीं है जिसमें किसी मिनिस्टर की स्टेटमेंट के ऊपर क्लेरिफिकेशन हो सके, लेकिन राज्यसभा में ये प्रोविजन है और परंपराओं में हमेशा है कि अगर कोई मंत्री किसी चीज पर किसी विषय पर अगर स्टेटमेंट देते हैं तो उस पर क्लेरिफिकेशन लिया जा सकता है। लेकिन कल कोई क्लेरिफिकेशन नहीं हुआ और अगर क्लेरिफिकेशन चाहिए भी है तो सभापति या लोकसभा अध्यक्ष के आदेशानुसार होता है। अगर सभापति ने इसकी इजाजत नहीं दी तो कोई भी मंत्री उसके ऊपर क्लेरिफिकेशन नहीं देता। अब देखना यह है कि क्या विपक्षी पार्टियों की जो मांग है कि इसको लेकर चर्चा होनी चाहिए दोनों सदनों के अंदर, क्या इसको लेकर BSE में सहमति बनती है या नहीं बनती है। BSE की बैठक जो है
वो आज होनी है, लोकसभा के लिए आज होगी और राज्यसभा के लिए बीएसई की बैठक कल होगी। तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के अंदर अगले हफ्ते जो भी चर्चा या जो भी बिल टेकअप किए जाते हैं दोनों सदनों के अंदर, उनको लेकर चर्चा होती है, कितना समय दिया जाएगा। अब देखना यह है कि क्या चाइना के साथ जो घटना हुई है 9 दिसंबर को, उसको लेकर सरकार किसी चर्चा को लेकर आम सहमति बनती है कि सदन के अंदर इस पर चर्चा होनी चाहिए। ये कह सकते हैं कि आज देर शाम तक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु और सुप्रिया आप दोनों का।